तो हेलो गाइस, एक और नया वीडियो पर आप लोगों को स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है और थंबनेल पर भी आप लोगों को देखकर पता चल गया होगा, और आज मैं एक 30 डेज फीमेल प्रेग्नेंट लैब्राडोर का साइन क्या होता है, मैं उसी बारे में आप लोगों को इस वीडियो पर दिखाना चाहता हूँ। तो आइए भी फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे कि ये मेरा फीमेल देख चुके हैं, इसको मैंने मेरे घर का ये ब्लैक मेल से मीटिंग किया हुआ हूँ। तो आप लोगों को ये नोटिस करना होगा कि इसका जो पेट है वो साइड से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो इसका जो पेट है वो नीचे वाला भाग होता है ना, जो बेली, वहाँ से मतलब जितना दिन डलेगा उतना ही इसका ये पेट और इसका जो निप्पल होता है मेन पॉइंट, वो निप्पल थोड़ा पिंक हो गए, थोड़ा सा साइज में इनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, कोई कोई भाई लोग ब्रीडर लोग क्या करते हैं कि फीमेल को मेटिंग कर दिया और उसके बाद उसको एक बंधक की तरह बांध के या फिर एक कोने में डाल देते हैं। वैसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको धूप में सेकने के लिए छोड़ दीजिए सुबह और दोपहर को। और उसको जो आप लोगों को क्या क्या चीज़ को अवॉइड करना है, इस वक्त आप लोग इसको रनिंग नहीं करना देना है और इसको जंपिंग नहीं करना देना है, ठीक है। तो आप लोग इसको खुला छोड़ के इसको धूप वगैरह सेकने के लिए आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसको कैसे, मुझे पता चला कि ये 100 में 90% कॉन्सिप्ट प्रेगनेंट है। ये देख लीजिए आप लोग, ये जो मेरा फीमेल का ये जो निप्पल है, ये देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को वीडियो पर भी। इसका जो पिंक होके थोड़ा मतलब नॉर्मल से थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं इससे ये 100 में 90% में श्योर हो चुका हूँ कि मेरा फीमेल अब कंसीव है, ठीक है। मैं आप लोग और एक बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त इस फीमेल को कोई भी स्टार्टर या फिर पप्पी फीड आप लोगों को देना है, ठीक है। मैं इस पर कोई भी फीड का प्रमोशन नहीं करूँगा। आप लोग के बजट में जो भी फीड आता है वो आप लोग इसको चिकन राइस या फिर आप लोग इसको वेज पर भी दही लस्सी के साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को इसका दूसरा वीडियो पर दूसरा अपडेट डालूँगा कि इसका कैसे कैसे प्रेगनेंसी का डेज गुजर रहा है, वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो पर बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो पर।